वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब के बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं। दिलीप साहब एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी हर बात से लोगों को सिखाया है, कुछ ना कुछ वो लोगों को सिखाते ही रहते हैं। पेशावर से, पाकिस्तान के पेशावर से मुंबई में बॉम्बे टॉकी से पहचान बनाने वाले दिलीप साहब का प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से बीते 7 जुलाई की तारीख को 98 की उम्र में सुबह 7:30 पर इंतकाल हो गया। आज हम आपको बता दें कि सीक्रेटली जब उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान और प्यार उन्होंने लोगों पर जताया था, उन्होंने मैडम नूर जहां विजिट किया कराची में एक इंटरव्यू के लिए, वहां पर उन्होंने कई और बातें शेयर भी की। उन्होंने कहा कैसे उनकी ज़िंदगी बदली चीज़ों को देखते हुए। क्या आपको मालूम है दिलीप साहब इंडिया से आए थे विज़िट करने के लिए वहाँ नूरजहाँ से, और विज़िट करते हुए उनका अलग ही अंदाज था। क्या आपको मालूम है दिलीप साहब वो अभिनेता थे जो कि इंडिया और पाकिस्तान को यूनाइट करने में इकलौते काफ़ी थे। जी हाँ, दिलीप साहब इकलौते ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार मिला है, सिर्फ उन्होंने प्यार ही बटोरा है। ये शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन पाकिस्तान विजिट करते हुए जब दिलीप साहब पहुँचे थे पेशावर अपने घर, तब उनका अंदाज ही अलग था। वो सालों से उस घर को देखने के लिए तरसे थे, उस घर में वो सालों से नहीं गए थे, गुजर गए थे ज़माने, वहाँ वो रहे नहीं थे। बताना चाहेंगे हम आपको, राज कपूर के साथ उनके बचपन गुजरे थे, क्योंकि उनका भी पुश्तैनी घर वही था जहाँ दिलीप साहब का था। दिलीप साहब ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर ये बताया ज़रूर था, वो इमोशनल हो गए थे। ट्रिब्यूट जो दिलीप साहब को पीएम इमरान खान ने दिया था उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, काफ़ी इमोशनल कर देने वाला ट्रिब्यूट था वो भी। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिलीप साहब के लिए सरकार ने फैसला ले लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने, कि वो उनके घर को दिलीप साहब के नाम से ही म्यूज़ियम में तब्दील कर रहे हैं। उनका निशानी कभी भी उस घर से ख़त्म नहीं होगा। इसी कारण से देखिए ना, वहाँ पर पाकिस्तान में दिलीप साहब के घर के बाहर ये बड़ा सा खूबसूरत सा पोस्टर लगाया गया है ताकि दिलीप साहब की वो पहचान वहाँ हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।